आपको पता है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हैं। हाँ, और वो अच्छा है। अगर पता करना चाहते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी है, साइको साइबरनेटिक्स, जिसमें ऑथर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जिससे हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, अपने ब्रेन को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि वो ब्रेन कोई हाईटेक मिसाइल हो जो बिल्कुल अपने लक्ष्य तक पहुंचता है बिना अपने लक्ष्य को मिस किए, बिना रास्ते में खोए। तो हम साइको साइबरनेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें रिलेशनशिप में भी लगा सकते हैं ताकि हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और हमारा रिलेशनशिप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए जो है एक खुशहाल जिंदगी। पहला प्रिंसिपल है बिलीफ। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे घरों में बड़े हुए हैं जहां पेरेंट्स की शादी बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं थी, या हमने हमारे आसपास लोगों को अपनी पत्नी से बुरा बर्ताव करते हुए देखा है, बीवी वाले जोक्स क्रैक करते हुए देखा है, पत्नियों को अपने पतियों से परेशान होते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। जब हम लोगों को शादी में नाखुश देखते हैं तब हमें लगने लगता है कि रिलेशनशिप्स बस ऐसी ही होनी है, रिलेशनशिप्स का नेगेटिव होना तय है। ये बिलीफ सिस्टम ही हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। आपको ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना लेना है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा ही होगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपकी जोड़ी ऐसी है कि भगवान शिव और माता पार्वती। दूसरा प्रिंसिपल है डायरेक्शन। कई सारे लोग अपने करियर को प्लान करते हैं, अपने पैसों को प्लान करते हैं, पढ़ाई प्लान करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को प्लान नहीं करते। आपको अपने रिलेशनशिप को भी प्लान करना चाहिए। आप दोनों ज़िंदगी से इकट्ठा क्या चाहते हैं, कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, कितने बच्चे चाहते हैं, उन बच्चों की पढ़ाई कहाँ पे हो वो क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य को स्पेसिफाई कीजिए कि आपका इस साल का लक्ष्य क्या है, 5 साल का लक्ष्य क्या है, 10 साल का लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्य को इकट्ठा बैठ के स्पेसिफाई कीजिए। जब आपके पास एक लक्ष्य तय होगा कि आपको इस रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना है, तब जाके आपको पता लगेगा कि आपको कौन से चुनाव करने हैं, आपको ज़िंदगी में किस तरीके से व्यवहार करना है, क्या करना है, आगे बढ़ना है कैसे। तीसरा प्रिंसिपल है अंडरस्टैंडिंग। देखिए, हम मैट्रिमोनियल कॉलम्स में बहुत बार देखते हैं कि लुकिंग फॉर एन अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, जैसे कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान बना है जो बना ही है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, हमें समझने के लिए। जब हम उस राइट इंसान से मिल जाएंगे ना, तब हमारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। वो इंसान पूरी तरीके से हमें पढ़ लेगा, समझ लेगा, 100% ना सही लेकिन 80% हमें टोटली समझेगा, क्योंकि वो हमें समझने के लिए ही बना हुआ है। ये एक फैलेसी है, गलती है, भ्रम है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई समझे तो फिर आपका उस इंसान के सामने अपनी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को खोल के रखना ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से अगर आप सामने वाले इंसान को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उस इंसान के बारे में ज़्यादा जानिए, उन्हें सवाल कीजिए, उन्हीं ज़िंदगी को एक्सप्लोर कीजिए, उन्हें क्या पसंद है, उनके लिए कौन सी चीज़ अहमियत रखती है, वो किस चीज़ को अपनी जीत मानते हैं, किस चीज़ को अपनी हार मानते हैं, वो किन से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, उन्हें उनका सबसे बड़ा डर क्या है ज़िंदगी में। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप पूछ सकते हैं सामने वाले इंसान को एक्सप्लोर करके उसके बारे में डीपली जानने के लिए। अगला प्रिंसिपल है अपने पार्टनर को और स्वयं को रिस्पेक्ट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पार्टनर्स रिस्पेक्ट। जब आप खुद का सच में सम्मान करेंगे
तब आप अपने पार्टनर के सामने अपनी आवाज बुलंद करके कह सकेंगे कि कौन सा व्यवहार आप सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। गालियां सहने के लिए तैयार नहीं है, ऊंची आवाज सहने के लिए तैयार नहीं है, चीटिंग सहने के लिए तैयार नहीं है, नॉन कोऑपरेशन सहने के लिए तैयार नहीं है, या सेल्फिशनेस सहने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप के ऊपर जब आपका आत्मविश्वास होगा तभी जाके आप ये बुलंद व्यवहार दिखा पाएंगे। आत्मविश्वास अच्छा है तो सामने वाले को भी रिस्पेक्ट करना सीखिए, उनका सम्मान कीजिए, उनके सामने भी और उनके पीछे भी। अगर दोस्त मिल जाए, पेरेंट्स मिल जाए, तो उनके सामने अपने पार्टनर की खिल्ली ना उड़ाए। अपने पार्टनर को नीचा दिखा के खुद स्मार्ट या पावरफुल महसूस करने की कोशिश मत कीजिए, ये स्मार्टनेस नहीं, ये बेवकूफ़ी है। अपने पार्टनर को हर वक्त रिस्पेक्ट दीजिए, जब आपकी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तब भी रिस्पेक्ट कम ना होने पाए, लड़ाई में गाली गलौच ना आ जाए, लड़ाई में सार्कैज़म या तू तकारी ना आ जाए, इस बात का ख्याल रखिए। ये आपको रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में मदद करेगा। रिलेशनशिप में देना, देखिए रिलेशनशिप में एक हाथ ले एक हाथ दे ये तो होता ही है, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा दे। इससे पार्टनर आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो आपके साथ बने रहना चाहेंगे। इससे आप अपने पार्टनर पे कम डिपेंडेंट होंगे और आपकी इनसिक्योरिटी भी कम होने लगेगी। जब आप अपने पार्टनर को ज़्यादा देंगे तब आपको खूब ज़्यादा पावरफुल महसूस होगा, उतना ही पावरफुल महसूस होगा जितना एक पेरेंट को होता है जब वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है। आखिरी प्रिंसिपल साइकोसाइबरनेटिक्स का है एक्सेप्टेंस। उफ, अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ना अच्छी चीज़ों को और बुरी चीज़ों को जैसे कि वो हैं, तो फिर आप एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा क्वालिटी के साधु बन जाएंगे। आप सेज लाइक बिहेवियर हर चीज़ में दिखाने लगेंगे। आप गुणी, ज्ञानी और बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी के व्यक्ति बन जाएंगे। अगर अच्छी चीज़ें हैं उनका स्वागत कीजिए, अगर कुछ बुरा हो रहा है उसे भी एक्सेप्ट कीजिए। कोई भी बुरा परमानेंट नहीं होता, और अगर आपको लग रहा है कि कोई बुरा आपके सहन शक्ति के बाहर जा रहा है तो फिर समझ लीजिए कि अब उस बुराई से नाता तोड़ देने का समय आ गया है। अगर इंसान के शरीर का कोई हिस्सा भी जहरीला हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए अब इस पैर को या हाथ को काट देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप आपके ज़िंदा रहने के आड़े आ रहा है तो आपको पता है आपको क्या करने की ज़रूरत है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।